नमस्कार, आप देख रहे हैं एविस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बिहार की राजनीति में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन इस बार स्थिति यह है कि सत्ता पक्ष में कोई समस्या नहीं है, समस्या है विपक्ष में। और विपक्ष को जब गठबंधन धर्म निभाते हुए सत्ता पक्ष को घेरना चाहिए, तब विपक्ष में एक ऐसी दरार आई है जिससे एकता पूरी तरह तार तार होती हुई नजर आ रही है। जो महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए बनाई गई थी कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से, उसमें फूट पड़ गई है। और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यह है कि दो विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से आरजेडी ने कांग्रेस की अनदेखी की और उसके बाद कांग्रेस को उसकी औकात बताई गई, वो भी पार्टी के सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव के द्वारा, उसके बाद ये साफ हो गया कि वास्तव में अखिल भारतीय स्तर पर स्तर होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी की स्थिति राज्यों में क्या है। और इन सारे परिस्थितियों को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने अपने बयान में थोड़ा सुधार किया और उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ी पार्टी है, विपक्ष की भूमिका अदा कर सकती है, लेकिन बिहार में उसका वजूद न के बराबर है। और यही नहीं, अध्यक्ष कांग्रेस बिहार इकाई पर भी उन्होंने जो टिप्पणी की वो बेहद खेदजनक है, असम्मानपूर्ण है। और इसके बाद दोनों पार्टियों के बीच लगभग गठबंधन खत्म हो चुका है। जब बड़े मुद्दों पर दो पार्टियों को एक साथ होना चाहिए और इन मुश्किल घड़ी में जब वहां पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर प्रभावी हो सकती है, वो भी एक साथ आकर के, तब सिर्फ दो विधानसभा उपचुनावों को लेकर के जिस तरीके से गठबंधन धर्म को खंडित किया गया, तार तार किया गया, उससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस और आरजेडी में किस कदर एक दूसरे के खिलाफ ठन गई है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता और उपाध्यक्ष कामरान हुसैन साहब से और इकबाल अहमद आरजेडी बिहार के प्रवक्ता हैं उनसे। आप दोनों का एवी स्टार न्यूज में स्वागत है। कामरान भाई, क्या हो गया ये क्या हुआ, गठबंधन धर्म का क्या हुआ? सिर्फ दो विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आप में ठन गई? नहीं, दो विधानसभा चुनाव को लेकर के नहीं ठनी है। एक्चुअली हुआ है, जो भी हुआ है वो आपके सामने है। गठबंधन में हम दोनों पार्टी हैं और हमेशा हमने उन लोगों ने लालू जी को सब बिहार में जब उनके जरूरत थी तो हम लोगों ने समर्थन किया। विगत 2015 के महागठबंधन चुनाव में भी जिस तरह से तीनों पार्टियां, नीतीश जी, लालू जी और कांग्रेस पार्टी, तीनों मिलकर के महागठबंधन जी बनी और हम लोगों ने सीट हासिल किया और सरकार भी बने। आखिर वो सरकार भी टूटी, कारण से चुका हुआ नहीं है। भाई इलेक्शन है ना, इससे सरकार किसी को बनना है ना सरकार किसी का गिरना है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से अगर हम पार्टनर हैं और हमने साथ होकर के महागठबंधन धर्म जा रहे हैं और चल रहे हैं, तो एक एक सीट दोनों को जाना चाहिए था। अब इससे तो डिक्टेटरशिप नहीं ना चलेगा कि हम ही क्षेत्रीय पार्टी है, बाकी कोई नहीं है। इकबाल अहमद जी, हमारे परवारी महोदय को जिस तरह से वो एक दलित समाज से आते हैं और जिस तरह से उनके साथ से इस भाषा का उपयोग किया गया जी, ये सब चीज़ें बर्दाश्त किया जाएगा। बिल्कुल। इकबाल अहमद जी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं आप जी। देखिए, डिक्टेटरशिप, मेरा पूरा सवाल होने दीजिए, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। ये उन लालू प्रसाद यादव पर एक बड़ी टिप्पणी है जो समाजवाद और लोकतंत्र के पुरोधा अपने आप को बताते हैं और साबित किए जाते हैं जब विपक्ष की राजनीति का प्रश्न होता है। सवाल यह है कि एक अखिल भारतीय स्तर की पार्टी को इतना नीचे गिरा देना लालू जैसे नेता के लिए क्या शोभा देता है क्या? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लालू यादव जी देश के नेता है और हर बुरे परिस्थिति में कांग्रेस का हमेशा खड़े होकर के साथ उन्होंने दिया है और निश्चित रूप से
उनकी जो भाषा को जिस तरह से मीडिया के में वो बना बना करके उनकी बात को जो रखा गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो एक आम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसको तीर का तार बना दिया गया। और ऐसी कोई बात नहीं है। जहां गठबंधन निभाने की बात है तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव जी ने हमेशा पहल की है, और मंच पर लाने की बात हुई तो हमेशा सारे पार्टियों को एक जगह खड़ा करने की बात की है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे दिल्ली के बाहर कोई भी स्टेट हो, जहां भी बात होती है तो सामने फ्रंट पर काम करते हैं। और लालू यादव को आप बाईपास कर कर करके कोई भी देश की राजनीति करना आज के दिन में आसान नहीं है। लालू यादव को बाईपास कांग्रेस कर रही थी, आप ये बताना चाहते हैं? देखिए, हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात नहीं। देखिए, आप दोनों से एक सवाल है, सीधा जवाब दीजिए सर। क्योंकि देखिए, प्रवक्ता के तौर पर, वरिष्ठ नेता के तौर पर अगर आप मिलीजुली भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। मानिए ना कि आप दोनों में मतभेद है। नहीं, मतभेद की बात है। अभी एक इकबाल भाई से मैं पूछना चाहता हूँ। इकबाल भाई, जहाँ आपके विधायक है, जहाँ कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया, जीतने के बाद आपके विधायक क्या उस हमारी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता के साथ मिल करके योजनाओं में उनकी राय मशवरा लेते हैं, नहीं लेते हैं? तो आखिर टीवी चैनल पर आप डिबेट कर रहे हैं, सीधा आप दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, किससे छिपाते हैं आप दोनों? देखिए, ये बात जो है आज क्यों उठ रही है, ये बात अगर है, इस तरह की अगर बात है तो आपके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपके जो नेता हैं, इस तरह की बात कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर करके के, और हमारे जो गठबंधन के लोग हैं या हमारे जो भी विधायक हैं उनके साथ बैठ करके एक मीटिंग कर सकते हैं? ये तो अभी इलेक्शन का टाइम है, तो आपके विधायक तो हमारे प्रभारी महोदय ने भी बोला। और रहा सवाल, यही बात तो इकबाल साहब, यही बात तो हमारे प्रभारी महोदय ने, हमारे जो पार्टी है हमेशा बड़ा दिल दिखाया। अगर बड़ा दिल नहीं दिखाते तो हम जो 70 सीट में गठबंधन किया, साहब को 70 सीट दिया, तो हम ये उम्मीद लगा के रखे 70 सीट हमने दिया था। 70 सीट का अगर जिक्र निकाल रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी हारी किस वजह से, वो 70 सीट का जिक्र बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को हम लोग ने जो लिस्ट दिया था उस लिस्ट पे टिकट क्यों नहीं दिया गया? कामरान भाई, मैं एक सवाल करूं। मुझे याद है बिहार विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तब लालू प्रसाद यादव तो खैर जेल में थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने चुनाव के बाद कहा था कि वहां पर प्रियंका और राहुल तो सिर्फ तफरी करने आते थे, इसलिए आपकी स्थिति तो ये समझी थी आरजेडी ने। आप बताइए, कामरान भाई, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा फिर से। आपने कहा ना कि 70 सीटों पर जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो कांग्रेस को किस नजरिए से आपने देखा? शायद आप इकबाल अहमद से यह सवाल करना चाह रहे थे। मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, आपकी स्थिति तो जब आप चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, ऐसी क्या वजह है कि जो राष्ट्रीय पार्टी हम है, हमने ऐसा नहीं है कि बिहार में हमने सरकार नहीं दी है, हमने विभिन्न मतलब हमने लगातार मतलब श्री बाबू से लेकर के लालू यादव जी से पहले हमने सरकार में थे, जगन्नाथ यादव जी से। लेकिन आखिर ऐसा वजह क्या है कि भाई आज इनको बोलना पड़ रहा है कि हमारी जमीन नहीं है? तो ये तो हमारा सरासर अपमान है। अपमान ही नहीं, इतनी बड़ी बात बोली गई, मुझे दोहराने दीजिए। बोला ये गया कि वजूद ही नहीं है आपका बिहार में, आपके नेताओं की, सॉरी टू से मुझे ये वाक्य बोलना पड़ रहा है, कोई औकात ही नहीं है बिहार में, ये बोला है लालू प्रसाद यादव ने। अब बताइए, ये कोई बात छुपी हुई नहीं है, ये बात सब 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 जाहिर है। ठीक है, चाहे वो 2015 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो 2014 का लोकसभा हो, या 2020 का विधानसभा चुनाव हो। आगे बोलिए सर, कुछ तो बोलिए, क्योंकि नाराजगी है आप में। आपने एवी स्टार न्यूज के सामने कांग्रेस
की तरफ से बोलते हुए ये बात कही है कि आरजेडी ने तो हमको कुछ समझा ही नहीं, और आरजेडी कह रहा है कि लालू यादव को बाईपास करके कोई प्रदेश स्तर पर देश स्तर पर राजनीति नहीं कर सकता। बिल्कुल निश्चित रूप से लालू यादव एक महान नेता है, यहाँ पे जमीन बन। हाँ जी, लालू यादव एक बड़े नेता है और एक समाजवादी नेता है, दलित अति पिछड़ा शोषित समाजों की आवाज है, और जिस तरह से उन्होंने जो अब न्यू रखा था और जिस तरह से आवाज दिया था, वही आवाज आज 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 भी लोगों के दिल में और दिमाग में गूंजा हुआ है। इकबाल जी ये रटी रटाई बातें हैं। कांग्रेस के जो बिहार इकाई के अध्यक्ष हैं वो दलित समाज से हैं। एक सवाल पूछना चाहते हैं हम आपसे, ऐसे कांग्रेस पार्टी होने के नाते, क्या लालू जी ने मतलब ये सिर्फ आवाज उठाया शोषित आदमी है? हमने तो ऑलरेडी हमारी पार्टी ने बिहार में कितने मुख्यमंत्री हुए और किन किन मतलब प्रतिदिन से आप उठा लीजिए, श्री बाबू, भोला पासवान शास्त्री जी, दरोगा प्रसाद जी, हम लोगों ने सबको मौका दिया, हर एक दल से हमने आदित्य दिया है। अब आप आरजेडी की बात कर लीजिए, बिहार में अगर हमने आपको तो आप आदरणीय लालू जी के बाद रामी जी को हमने मुख्यमंत्री के लिए समर्थन किया, उसके बाद आप डिप्टी सीएम के लिए बात करते हैं तेजस्वी यादव के लिए। जवाब दीजिए इकबाल भाई, क्या बात कर रहे हैं, किस माइनोरिटीज के लिए माइनोरिटी। हेलो जी जी, आप बोलते रहिए। जब बुरे परिस्थिति में कांग्रेस जब आगे खड़ी हुई है, तब तक सहारा देने का काम माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है। कांग्रेस पार्टी है और इसका दिल भी बड़ा है, ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर जो सीट है, ये दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल जीत रही है। ये भारी मतों से सीट जीत रही है हम लोग। इकबाल जी आप जीतेंगे या हारेंगे? इकबाल जी अब आप सवाल सुनिए, हम आपके साथ नहीं है। आप दोनों प्लीज अब आप चुप रहिए, मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब एक एक करके दीजिएगा। कुशेश्वर स्थान जो है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट है या इकबाल भाई आरजेडी की है, पहले तो ये बताइए। देखिए, हमारे लोगों ने वहाँ पर सर्वे किया और सर्वे करके जब सर्वे कर लिया तो सर्वे करने के बाद लगा कि ये सीट अगर राष्ट्रीय जनता दल को इस सीट पर अगर खड़ी होती है तो निश्चित रूप से ये जीत काफी मार्जिन में वहाँ से होगी। और मैं कहता हूँ कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पास बिहार में आने के बाद जो राजनीतिक में जो एक नया जो हलचल जो पैदा हुआ है समाज के बीच में, जेल से आने के बाद ये बोलिए ना। अब मैं दूसरा सवाल करता हूं। देखिए, हमारे लिए भी लालू यादव नेता हैं, लेकिन आए हैं जेल से, मानना पड़ेगा। ये बताइए, अगर आप जानते हैं कि वो जीतेंगे, आपने सर्वे करा लिया, अरे गठबंधन का कोई धर्म होता है इतना तो आप पूछते कि भाई आपकी परंपरागत सीट है, हमको लड़ने दीजिए, ये किया आपने? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी लगातार जब से चुनाव का जब ऐलान हुआ था तो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी लीजिए जवाब दीजिए, कांग्रेस के नेताओं से उनका संपर्क चल रहा था, बैठक चल रहा था जीत है और अजीत कुमार जैसे संस्थावाद। देखिए, अभी लोग अगर पलट जाए वो अलग सी बात है, लेकिन बातचीत तो चल रही है, ऐसे बातचीत चल रही थी, 10 नंबर में लोग आते थे बैठते थे। और आप दोनों लड़ लिए, एक एक करके सवाल का जवाब देंगे तो मजा आएगा। आज हम दोनों सीट पर अकेले लड़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू, आपके नेता आपके तेजस्वी जी कहते हैं कि हमारी जमीन नहीं है, तो आखिर हम जब लड़ रहे हैं हमारा कोई वजूद ही नहीं आप लोग के नजर में, तो जो सत्ता में बैठी हुई है नीतीश सरकार, इनके पूरी मंत्रिमंडल यहाँ पर कैद किए हुए हैं। उपचुनाव में माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं, लालू जी को इस स्थिति में यहाँ पर आना पड़ रहा है सभा करने के लिए। आप क्या बात करना चाहते हैं?
देखिए सबसे बड़ी हम वो पार्टी है ये जो हमेशा आप लोगों को आगे बढ़ाया। हाँ, अब आप फिर सुनिए, आप दोनों ही लड़ रहे हैं, हमारे सवाल को सुनने के बाद आप लोग लड़ जा रहे हैं। हमारे सवाल के साथ इस तरह से बदतमीजी किया जाता है। सुनिए इकबाल भाई देखिए उसको उसका जो उच्चारण है उच्चारण को गलत ढंग से पेश किया गया है, ऐसा कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। और लालू जी एक सम्मानित नेता है, उनको पता है वो जमीन से जुड़े हुए हैं। और हमारी मीरा कुमार जी को बोलना पड़ा, आप समझ रहे हैं इकबाल साहब? भक्त चरण दास को, अब मेरा सवाल सुनिए इकबाल भाई क्लियर सुनिए पहले, भक्त चरण दास को लालू यादव ने क्या कहा? मैं तो अपने मुंह से कह भी नहीं पाऊंगा, क्या बोला उन्होंने? आप कहते हैं दलित सम्मान की बात, ये हमारे कांग्रेस का कल्चर है, सुन लीजिए, हमारे कांग्रेस का कल्चर है कि आपने हमें गाली दिया, हमने आपको गाली से नहीं से वापस जवाब दिया। अरे कामरान जी अभी मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, अभी आपसे भी करूंगा, रुक जाइए। इकबाल जी पहले आप जवाब दीजिए, क्या बोला था आपने, आपके अध्यक्ष ने? देखिए जो शब्द था वो बिहार में इस तरह का शब्द आपस में क्या था? चलता है नहीं तो ये जो था इसको इसका इसके मतलब है ना कि उसको गलत उच्चारण करके उसको लोगों को भजाने की कोशिश की गई, भजाने की जो कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं एक लगा कि लोगों को लगा कि लालू यादव ने बोल दिया, इनके अब छवि पर वार करना शुरू कर दिया। लालू यादव जी के ऊपर उंगली उठाने से पहले आदमी को 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। लालू यादव ने कोई ऐसे बात नहीं की थी। अच्छा अब आप यकीन मानिए, आप आधे घंटे से आप डिबेट में हैं और आप सिर्फ ये दो बात साबित कर रहे हैं, हम अखिल भारतीय स्तर पर हैं, हमने किसी को उठाया, हमने क्या मांग लिया जो हमें नहीं मिला, बस आप मांग लीजिए आप मिल जाएं। अरे अखिल भारतीय स्तर पर थे तो सत्य को स्वीकार करके जो वस्तु स्थिति है उसके हिसाब से मेहनत करिए कार्यकर्ताओं के दम पे, ये तो आप कर नहीं रहे हैं। और सोनिया गांधी को बात करनी पड़ रही लालू प्रसाद यादव से, सचमुच में आप लोगों ने अपनी स्थिति बहुत खराब कर ली है भाई। नहीं ना हमारी स्थिति अब वो बात कैसे हुई, आज पेपर आज अखबारों के हेडलाइन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट आप प्रिंट है, उसको पढ़ ले, सब लोगों ने पढ़ा। आज तो साफ है इसके स्टेट प्रेसिडेंट ने हमें हम लोगों को पेपर के माध्यम से सारी जानकारी दे दिया, भविष्य में कभी भी आरजेडी के साथ कोई समझौता हम नहीं करेंगे। ये तो आज आप कह रहे हैं कोई नहीं करेंगे, सुनिए सुनिए नहीं करेंगे कामरान भाई, सुनिए सवाल सुनिए, आप तो कह रहे हैं हम समझौता नहीं करेंगे, जब हमने शुरुआत की इस डिबेट की तब हम कहे हम लोग तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, अरे क्या रटी रटाई बातें बोलते हैं। हमने धर्म निभा रहे, जब धर्म निभाने की बात थी तो हमने बाखूबी धर्म निभाया, पूरी दुनिया ने देखा धर्म निभाना किसको कहते हैं। मजबूरी में निभाया गया धर्म नहीं है, मजबूरी में निभाया गया धर्म क्या है वो मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ। मजबूरी में जो धर्म निभाया जाता है ना वो धर्म नहीं होता है। मजबूरी की धर्म नहीं था वो, मजबूरी का धर्म नहीं था, लेकिन अगले ने हमें क्या समझा? आपको अगले ने कुछ नहीं समझा, सुन लीजिए, अब सोनिया गांधी और लालू यादव ने बात की है, फिर पैचअप हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे, लालू वही करेंगे जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार में आपकी स्थिति क्या है। अरे सर सवाल तो मेरा यही है कामरान भाई कि इन सबसे अलग हो करके सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए बिना समझौते के बिना किसी सिद्धांत के जब जब और जहां जहां आप गठबंधन करेंगे आप नंबर दो की ही पार्टी रहेंगे। झारखंड उसके बगल का है, वहां भी स्थिति आपकी यही है, वो भी मैं बताना चाहता हूं। अब बोलिए सर, हमें सबक तो मिला ही ना? हाँ सबक मिला आपको, अभी इस चुनाव के बाद मंथन होना है सर। हाँ आप मंथन करेंगे क्या डिसीजन लेते हैं ना, बहुत क्योंकि आप हर एक कार्यकर्ता के मान सम्मान की बात हो गई, हमारे प्रभारी के मान सम्मान की बात है, हमारे पार्टी के मान सम्मान की बात है सर। और कामरान भाई अभी तो आप कह रहे हैं पार्टी के मान सम्मान की बात है, अगर
कैडर और कार्यकर्ताओं को सुना जाता और बिहार से एक रिपोर्ट आए यहाँ पर कि अब आरजेडी के साथ नहीं जाना है। ये तो आपकी सोच हो सकती है, पूरे संगठन की सोच हो सकती है, लेकिन हाई कमान से जो बात आएगी मानना तो वही पड़ेगा। यही सब कुछ आप तो पंजाब में भी झेल रहे हैं और हर जगह आप यही झेल रहे हैं। ये अभी क्लियर, ये क्लियर, ये आपके द्वारा अभी आप जानकारी दे रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। हम तो पेपर मीडिया के माध्यम से कल बैठा हुई, उसके साथ क्लियर हो गया, पेपर में सारा चीज लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप व्हाट्सएप करिए हमें। इकबाल भाई, अंतिम सवाल आपसे है, ये डिक्टेटरशिप इस समाजवादी सोच में जिसके पुरोधा और जिसके नेता माननीय लालू जी हैं, बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन किया है भाई आप लोगों ने। ये गजब का गठबंधन का धर्म है जो आपके नेता निभा रहे हैं, वो भी उम्र के इस पड़ाव पर। इकबाल भाई, लगता है इकबाल जी से मेरा संपर्क बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बोलिए बोलिए। लगता है इकबाल जी से मेरा संपर्क टूट गया है। तो इन दोनों ने वो बात की और एवी स्टार न्यूज के सामने बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष कामरान हुसैन जुड़े थे, इकबाल अहमद जो आरजेडी के सीनियर प्रवक्ता हैं वो जुड़े थे, और गठबंधन दल पर जब हमने बात की तो उस धर्म की शुरुआत तो बहुत अच्छे से की गई, उसके बाद दोनों प्रवक्ता किस तरीके से लड़े हैं और किस अंदाज में लड़े हैं, इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच किस कदर ठन गई है। लेकिन आरजेडी ने न सिर्फ कांग्रेस को औकात बताई है बल्कि उसी औकात में बने रहने के लिए विवश कर दिया है, और शायद यही कारण है कि सोनिया को लालू यादव से बात करनी पड़ेगी। ये कांग्रेस की राजनीति की विडंबना है, वर्तमान राजनीति की उसकी ये सीमा है, जिसके कारण अखिल भारतीय स्तर की पार्टी होने का दावा कांग्रेस करती जरूर है, लेकिन हर उस क्षेत्रीय पार्टी से उसे नीचे आना पड़ता है, उसे झुकना पड़ता है और उसके शर्तों के आधार पर राजनीति में आगे बढ़ना पड़ता है, और सिर्फ इसलिए कि सत्ता में किसी तरह की भागीदारी हो। लेकिन बिहार में तो कांग्रेस सत्ता से भी दूर है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। आप दोनों मेहमान हमारे इस डिबेट में शामिल हुए, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।